हेलो यूट्यूब, आज मैं बना रही हूँ थ्रेडेड बैक स्टिच। तो उसमें क्या है, पहले हम बैक स्टिच बनाते हैं। इसमें भी स्टिच के का डिस्टेंस देखते हैं और ट्राई करते हैं कि एक जैसा ही हो। ये बहुत सिंपल और बहुत इजी स्टिच है। आप जैसे मैं बना रही हूँ इस तरह से भी बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो पहले इसको नीचे लेके जाएं ऐसे, फिर इसको अलहदा से यूं निकाल लें, जैसे आपको इजी लगे। ठीक है, तो ये हमने पहले बैक स्टिच बना लिया है, तो अब हम इसे डिफरेंट कलर्स के साथ करते हैं। इसके नीचे से ही निकालना है और फिर दूसरे स्टिच के नीचे से यूं, फिर यूं। कोशिश करनी है कि इसे आपने खींचना नहीं है, ज़्यादा पुल नहीं करना है, इसे थोड़ा सा ऐसे रखना है। ये देखिए इस तरह से, ये दो स्टिचेस के दरमियान से गुजारना है आपको, दोनों स्टिचेस के, ये नहीं कि एक ही स्टिच में से गुजार देना, नहीं। ये देखें, एक ये स्टिच है और एक ये स्टिच है, ये सेंटर है इसका, दो स्टिचेस का। तो आपने इसमें से गुजार के फिर इसमें से ऐसे, अब आप अगर चाहें तो सेम इसी कलर के साथ, सेम इसी कलर के साथ ही आप दोबारा इसको लेके आ सकते हैं। अगर आप कोई और कलर यूज़ करना चाहें तो आप दूसरा कलर भी यूज़ कर सकते हैं। ये देखें, जैसे मैं दूसरा कलर यूज़ करने लगी हूँ ताकि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ आ जाए।
ये देखिए, अब हमने उसी वाले स्टिच के नीचे से दोबारा गुजारा, ठीक है, और ये देखें सेम, दूसरे स्टिच के नीचे से आप लें, ओके, और फिर ये और अब अगर आप चाहें कि हमें आपको सेम ही कलर यूज़ करना है धागे का तो वो भी अच्छा लगेगा, वो भी कर सकते हैं आप। बस थोड़ा सा केयरफुली बनाना पड़ता है लेकिन बहुत खूबसूरत बनता है। अगर आप इसे साथ साथ अपने थंब के साथ यूं पकड़े रखें धागे को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का स्टिच, होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ इसे फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें और मुझे सब्सक्राइब करें। थैंक यू।